So in this video, let us start worksheet 2. 1. Question number 1. Write the answer. What is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? ये बोला कि horizontal और vertical line को हम लोग क्या name देते हैं? What is the name? तो इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा, horizontal line को हम लोग क्या बोलते हैं? Solution में जाके first point. Horizontal line is called x-axis. And vertical line is called y-axis. ठीक है, तो ये यहाँ पे पूछा, व्हाट इज द नेम? हर नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज x-axis, नेम ऑफ वर्टिकल लाइन इज y-axis. ओके, नाउ सेकेंड पार्ट, राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर द एबव टू लाइन्स इंटरसेक्ट. जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पहले भी बताए थे, ओरिजिन. Intersection of horizontal line and vertical line is called origin. ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया. वन मार्क्स में कभी कभी पूछ देता है, what is the origin? ठीक है, और origin का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये भी पूछ देता है. तो origin का जो कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा 0, 0. ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, इनको ग्राफ पेपर में आपको यहाँ पे इस चैप्टर में के लिए आपको ग्राफ पेपर लेना पड़ेगा. ठीक है, तो एक ठो ग्राफ कॉपी आप इसमें से ले लीजिएगा. और चूंकि पॉइंट्स को प्लॉट करना है तो बिना ग्राफ में अच्छे से प्लॉटिंग नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो अब जैसे इसमें से कुछ पॉइंट्स हम लोग ले लेते हैं. तो देखिए यहाँ पर ये ग्राफ में हम शो करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, प्लॉट द पॉइंट्स. मान लीजिए हम 5, 0, 6, 2, 0, 0, 3, 4 चार पॉइंट्स यहाँ पे ले रहे हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए. तो देखिए यहाँ पे पहले क्या करना है आपको, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई एक्स एक्सिस, ओके, और एक वर्टिकल लाइन हो गई वाई एक्सिस. ठीक है, अब जैसे पहला पॉइंट क्या लेना है हमको, 5, 0. तो 5, 0 को प्लॉट करना है. पहला पॉइंट है 5, 0. तो देखिए यहाँ पे ये 5 हो गया और इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, 5, 0. एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 5. और वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है. तो ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है? देखिए एक्स एक्सिस पे आ रहा है, यहीं पे लाइन पे, याद रखना है. ठीक है, 0, 0 तो हमेशा यहाँ रहता है, ओ 0, 0. फिर 6, 2 का मतलब क्या हुआ? एक्स इक्वल टू 6. 6, 2 में x कोऑर्डिनेट कितना है? 6 है. तो पहले आपको कहाँ पे आना पड़ेगा? 6 में आना पड़ेगा, यहाँ तक जाना है. फिर y कोऑर्डिनेट कितना दिया है? 2 दिया है. तो यहाँ से 6 से ऊपर जाना है, ये 1 हो गया 1 के सामने, और ये 2, ये 2 के सामने. देखिए यहाँ पे पॉइंट आ गया, इसको नेम दे दिया हम बी पॉइंट. ठीक है, पहला पॉइंट हो गया ए, दूसरा हो गया बी. फिर 0, 0 तो ये तो ओ होता है हमेशा, इसको हम लोग कुछ नेम अलग नहीं देंगे, ये हमेशा ओ ही होता है, पॉइंट ओ. ओ का कोऑर्डिनेट 0, 0. यहाँ पे एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है. फिर एक पॉइंट लिया हुआ है 3, 4. 3, 4 का मतलब एक्स इक्वल टू 3 और वाई इक्वल टू 4. तो यहाँ से 3 से ऊपर जाना है आपको लाइन में, किसके सामने तक जाना है? यहाँ 4, देखिए वाई इक्वल टू 4 यहाँ पे है ना, इसके सीध में यहाँ पॉइंट, इधर से 3 और इधर से 4, यहाँ पे C आ गया, C दैट इज 3, 4. तो इस तरह से आपको यहाँ पे पॉइंट्स को प्लॉट करना है. ठीक है, तो इस बाकी पॉइंट्स को आप प्लॉट कर दीजिएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स पी क्यू आर एस. तो ये डायग्राम में पॉइंट्स दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट आपको यहीं पे देख के लिख देना है, बुक में ही चाहे लिख सकते हैं. देखिए यहाँ पे P पॉइंट लिखा हुआ है, तो P कहाँ पे है? X इक्वल टू 2 और Y इक्वल टू 3 के सामने, इसलिए P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे 2, 3. ये 2, 3 क्या हो गया? P का कोऑर्डिनेट. ठीक है, फिर पॉइंट Q, देखिए Q कहाँ पे है? ये Q पॉइंट है, ये x में कहाँ पर है? 6 पे है ना, ये x का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है? 6 दिया है. और y में किसके सामने आ रहा है? 5 के सामने, इसलिए Q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 6, 5.
ठीक है। इसी तरह से पॉइंट आर, आर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स इक्वल टू फोर, यहाँ फोर के सामने है आर, और वाई में किसके सामने है, एट के सामने। तो पहले एक्स आता है फिर वाई आता है, इसलिए आर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, फोर एट। क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर थ्री को तो आप बुक में ही कर दीजिएगा, इसको प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, फिर इसमें बोला है प्लॉट द पॉइंट्स। इसमें सारा क्वेश्चन मैक्सिमम आपको क्या करना है, प्लॉट ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लॉट द पॉइंट्स ए टू थ्री, पहला पॉइंट ए लिया हुआ है, बी फाइव थ्री, सी फाइव फाइव एंड डी टू फाइव ऑन ग्राफ। कनेक्ट द पॉइंट्स इन दैट ऑर्डर, पॉइंट्स को बोला प्लॉट करके उसको ज्वाइन कर दीजिए, पॉइंट्स दो दो पॉइंट्स को मिलाते जाइए, सो एज टू गेट अ क्लोज्ड फिगर। आपको एक फिगर बन जाएगा ए बी सी डी, पूछा व्हाट टाइप ऑफ फिगर, इस फिगर का नाम क्या होगा। तो इसमें देखिए पहले हम लोग प्लॉटिंग मेन चीज़ है, देखिए यहाँ पे ये ओ एक्स हो गया एक्स एक्सिस, ये ओ वाई हो गया। पहला पॉइंट इसमें बोला ए टू थ्री, एक्स इक्वल टू टू और वाई इक्वल टू थ्री, थ्री के सामने यहाँ पे आ गया पॉइंट, ये पॉइंट डॉट हो गया ना ए, इसको नेम देना टू थ्री। फिर पॉइंट दूसरा पॉइंट क्या लिया है, फाइव थ्री, फाइव थ्री, एक्स इक्वल टू फाइव वाई इक्वल टू थ्री, ये थ्री के सामने ये पॉइंट, ये आ गया बी। इसी तरह से सी फाइव फाइव, एक्स इक्वल टू फाइव और वाई इक्वल टू फाइव, तो इधर से ऊपर जाएंगे और इधर से यहाँ पे आएंगे तो सी पॉइंट मिल जाएगा। और फिर डी बोला है, डी कितना बोला है टू फाइव, मतलब टू फाइव का मतलब एक्स इक्वल टू टू और वाई इक्वल टू फाइव। तो देखिए ये टू के सामने यहाँ से ये टू हो गया यहाँ पे आया, और वाई कितना जाना है हमको, फाइव तक जाना, ये फाइव यहाँ। तो ये चारों पॉइंट्स को ऐसे दिखा के और इसको स्केल से मिला देना है, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। तो पूछा कि व्हाट टाइप ऑफ फिगर वी गेट, इसमें आपको बता देना है वी गेट अ रेक्टेंगल, क्योंकि ये लेंथ बड़ी है ये लेंथ कम है, तो ये किस टाइप का फिगर हो गया, रेक्टेंगुलर शेप में। अगर चारों साइड इक्वल होता तो इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है। तो यही पूछा था इसमें, व्हाट फिगर डू वी गेट, वी गेट अ रेक्टेंगल। इसी तरह से फाइव को भी आपको पॉइंट्स प्लॉट कर देना है, ओके। तो इस वर्कशीट को आपको इस वीडियो के थ्रू बना लेना है, यहाँ पे ग्राफ में देख लेना है, ऐसे प्लॉट करेंगे, ओके। और एक तो ग्राफ कॉपी लेके सारा क्वेश्चन ग्राफ पेपर पे ही बनाना है इस चैप्टर को, ओके।